नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स। चैनल नंबर 9 पर हाजिर हैं हम लेकर उर्दू का अपना ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर 9वीं जमात के बच्चों के लिए है। और आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक नज्म जिसका नाम है एक आरजू। इसके लेखक कौन है और उन्होंने जो ये नज्म लिखी, इसका जो व्याख्यान है, वो आदि बातें हम इसमें जानेंगे। हमारे साथ आपको ये पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद मोहज़मुद्दीन सर। आप एनसीईआरटी में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर नमस्कार, आदाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। सर आपका भी इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया सर। एक आरजू, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ आरजू तो है लेखक की, कि वो क्या लिखना चाह रहे थे, और इसके जो लेखक हैं उनके बारे में भी बच्चों को बताएं ताकि वो जान सकें कि उन्होंने अपनी लेखनी में क्या हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि बच्चों आपको ये बता दिया गया कि आज की नज़्म का उन्वान है एक आरजू, और इसके शायर यानी लिखने वाले मुसन्निफ भी कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल हैं। उनको अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं, और सिर्फ शायर मशरिक भी कहते हैं अल्लामा इकबाल। तो एक शायर को हम कई नामों से जानते हैं। यह उनकी अपनी एक इनफरादियत है, उनके जो फिक्र है उनकी जिहाद पे भी मुश्तमिल है कि उनको मुख्तलिफ नामों से हम जानते हैं। जाहिर सी बात है कि एक नज़्म है। नज़्म के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि चार किस्म की होती है, पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, मुअज़्ज़ज़ नज़्म और नसरी नज़्म। तो अल्लामा इकबाल की यह नज़्म पाबंद नज़्म है, और पाबंद नज़्म की अपनी जो खूबियाँ होती हैं उसमें शुरू से आखिर तक वतन और बहर की पाबंदी होती है, तमाम मिसरे बराबर होते हैं, काफ़ी अलग अलग हो सकता है, गज़ल के फार्म भी हो सकती है, मसनवी के फार्म भी हो सकती है, मुसद्दस के फार्म या तरजीह बंद, तरकीब बंद वगैरह के फार्म में नज़में कही जा सकती हैं पाबंद नज़में। जैसा कि ये वजाहत की आरजू तो सभी की होती है, जाहिर बात है आपके दिल में भी कुछ आरजू होगी, हमारी भी कुछ आरजू तमन्ना होती है, और शायर की भी कुछ आरजू है। तो शायर की आरजू, जाहिर बात है कि जिस आरजू की वो बात कर रहा है, बहुत उसका विज़न बहुत बड़ा है, वो मतमह नज़र बहुत बड़ा है। अल्लामा इकबाल को जानने के लिए, सबसे इस नज़्म को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसरन हम रोशनी डालें, ताकि हमें समझने में पता चले कि इस नज़्म के में क्या बात कही गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये कि पढ़ा भी होगा, अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में 9 नवंबर 1877 में हुई थी। आज के 4 या 5 दिनों बाद 9 नवंबर आने वाला है, और इस दिन को जो है उर्दू दुनिया यौम उर्दू के नाम से मनाती है। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, दीनदार आदमी थे और तसव्वुफ की तरफ मायल थे, जो है ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं थे लेकिन तालीम का शौक़ बहुत रखते थे, और अपने बच्चों की तरबियत में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ख़ासतौर से इकबाल को ये नसीहत बहुत करते थे, और कलाम पाक की तिलावत के बाद इनकी वालदा की बहुत बड़ा हाथ है। मुल्क मिल्लत से मोहब्बत और खिदमत का जो जज्बा पैदा हुआ वो उनकी तालीम का असर है। इनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद थे, उन्होंने भी इनके ये तालीम और तरबियत में बहुत नुमाया काम किया। इसी तरह इनको मिगल तालीम 1891 में हुई, मिगल से किया, उसके बाद 1893 में मैट्रिक किया, 1895 में मजीद तालीम के लिए लाहौर चले गए, वहाँ से 1899 में फ़िलासफ़ी में एमए किया, अंजुमन तहमात इस्लाम लाहौर के जलसे में शिरकत की। इनके एक बहुत मशहूर उस्ताद थे फ़िलासफ़ी के फ़लसफ़े के प्रोफेसर आर्नल्ड, और उन्होंने इनकी इल्म की प्यास जब उनसे मुलाकात हुई तो अल्लामा इकबाल की प्यास इनकी और बढ़ा दी उन्होंने, और बाकायदा तौर पर फ़लसफ़े की तरफ मायल हुए। जो है इनके कई उस्ताद रहे, एक उस्ताद तो ग़ुलाम हसन थे जिन्होंने कुरान की तालीम दी, दूसरे उस्ताद इनके मीर हसन से, मीर हसन से उन्होंने उर्दू पढ़ी, फारसी और अरबी पढ़ी, और उनके इन तीनों जबानों के अदब का मुताला किया। इनकी ज़िंदगी के एक अहम मोड़ आता है, सितंबर 1905 में इंग्लिस्तान चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर ये मेटाफिज़िक्स से, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन ईरान में, यह उनका पीएचडी थीसिस था, वहाँ से पीएचडी करते हैं। इसके बाद 1907 में वकालत के इम्तिहान पास करते हैं, बैरिस्टर एक्ला होते हैं, फिर जुलाई 1998 में वापस होते हैं। 1923 में सर का खिताब इनको दिया गया, उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बरतानिया हुकूमत, जो लोगों को मतलब ख़ास कारनामे अंदाज देते थे या मुख्तलिफ कारनामे होते थे, तो उनको सर का खिताब या शमशुल उलमा का खिताब या और कोई खिताब कुछ ना कुछ दिया जाता था। तो अल्लामा इकबाल ने यह खिताब पहले तो लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, पहले मेरे उस्ताद को यह खिताब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आप इसको हासिल करूँगा। तो हुकूमत ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, आप उनकी कोई किताब बताइए कुछ हो,
तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि उनकी तो सरापा किताब में खुद हूँ, उनकी सरापा किताब में खुद हूँ, अगर आप मुझे इनाम दे रहे हैं तो जिन्होंने इस किताब को लिखा है उसको पहले आप दीजिए। तो हुकूमत ने उनकी बात मान ली, उनको शमसुल उलमा का खिताब मिला, फिर अल्लामा इकबाल ने सर का खिताब कबूल किया। तो ये एक उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है, एहतराम का, मोहब्बत का, वो जाहिर हो रहा है यहाँ पर देखिए। और ये दाग दहलवी के शागिर्द थे, दाग दहलवी उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे उस ज़माने में। ये दाग दहलवी से जो है अपने कलाम पर इस्लाह लेते थे, ज़्यादा दिनों तक इस्लाह की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हैरत की बात है कि उस वक्त दाग दहलवी हैदराबाद में थे और इन्होंने कभी अल्लामा इकबाल ने कभी नहीं देखा, लेकिन वो ख़त व किताबत के ज़रिए कलाम लिख के भेजते थे, वो इस्लाह करके उनको कुछ अगर तरमीम की ज़रूरत होती वो तरमीम करके भेज देते थे। और बाद में उन्होंने ये भी लिख दिया कि आपको अब इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए बहुत दिलचस्प शख्सियत थी अल्लामा इकबाल की, बहुत विज़न बड़ा था, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। और ये दौर में तो उस दौर को तो आप जानते हैं कि 1877 के में पैदाइश हुई, 1857 का वाक़या उसके पहले गुजर चुका है। एक अजीब सी हलचल थी समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, अदबी और तहजीबी एतबार से। तो उसमें इनके फ़िक्र को बहुत ज़्यादा सोचने समझने का मौका मिला। बिल आखिर जो है 1938 में 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ। इकबाल के कलाम को हम कई दौर में, तीन दौर में खास दौर से तकसीम कर सकते हैं, यानी शुरू से लेकर 1905 तक जब तक वो यूरोप नहीं गए, और 1905 से लेकर 1908 जब तक वो यूरोप में रहे, और उसके बाद से। तो शुरू में उनका कलाम अगर देखें तो उनके कलाम में बच्चों के लिए उन्होंने शायरी की तरबियती शायरी की। अल्लामा इकबाल की खूबी है कि वह पयामी शायर थे, यानी अपनी के शायरी के ज़रिए कोई ना कोई पैगाम देना चाहते हैं बच्चों को, आवाम को, ताकि इस्लाह हो सकें, हम अपनी इस्लाह कर सकें। उनका एक मकसद ये भी था कि अगर हम इन दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है सिर्फ खाओ पियो चलो ऐश करो और चले जाओ यहाँ से, बल्कि अपने आप को पहचानना है। आप अपने आप को जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक आप कोई नया काम नहीं कर सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ये इकबाल ने इस पर खास तवज्जो दी। इसी तरह उन्होंने बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्प नज़में, 11 नज़में लिखी, और सब जो सबके सब उनके पहले पोएट्रिक कलेक्शन यानी शेरी मजमू बांगे दरा में है। तो इनको तो एक हकायती नज़में हैं वो सब, और सब तकरीबन तर्जुमा शुदा यानी ट्रांसलेटेड कहानियाँ वो नज़में हैं। और इकबाल की खूबी ये थी कि वो अंग्रेज़ी अदब के रोमांटिसिस्ट से फ़ायदा उठाया, उससे बहुत मुतासिर हुए, और उसकी वजह से इन्हें कुदरत से, नेचर से बहुत लगाव पैदा हो गया जो है। नेचर के वसीले से इन्होंने जज्बात निगारी बहुत अच्छी की है और अपने उसमें शायरी में उसको जगह दी है। जैसे इनके यहाँ चरिंद है, परिंद है, पहाड़ है, दरिया है, झरना है, नदी, जंगल, फल फूल वगैरह, ये सब हमारे आसपास का जो मंजर है जो कुदरत ने पैदा किए, सिर्फ ऐसा नहीं कि इससे तो हम लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं, मज़े भी लेते हैं, लुत्फ लेते हैं, बल्कि इससे हमें बहुत सारी मदद मिलती है शायरी में। मुख्तलिफ लोगों ने जो है इसको अपनी शायरी में जगह दी है। तो इकबाल की दूसरी खूबी यह है कि उन्होंने मज़ाहिर फितरत के हैवानों का सहारा लिया है, यानी मुख्तलिफ तरह के जो जानवर, जैसे गिलहरी है हमारे यहाँ, एक गाय और बकरी है उसका सर लिया, मकड़ा और मक्खी है, तो बहुत सारी नज़में इनकी जो है, और कोई ना कोई पैगाम देते हैं वो अपने आखिरी शेर में। और तो बच्चों की और ये सभी नज़में उनकी नसीहत और सबक कामोज हैं, बच्चों की तरबियत और परवरिश पर तवज्जो दी है कि वो बासूल ज़िंदगी गुजारें। उनकी पूरी शायरी पयामी शायरी, उनका नज़रिया ये था कि फ़र्द और माशरे की इस्लाह होनी चाहिए, लिहाजा शुरू से ही तरबियती निगाह डाली है। और उनका जो फ़लसफ़ा है वो फ़लसफ़ा खुदी के नाम से मशहूर है। उन्होंने खुदी की तरबियत यानी अपने आप को पहचानना और उसको जो है मजबूत करना अपने आप को हर एतबार से, वो उस पर तवज्जो दी है। और इकबाल सिर्फ ऐसे शायर नहीं है कि सिर्फ शायरी कर लियो खामोश हो गए, बल्कि वो जवानों को कौम के लोगों को वो हरकत व अमल पर आमादा करते हैं। अगर आपके अंदर हरकत व अमल नहीं है तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो उन्होंने के यहाँ हरकत व अमल पर बहुत तवज्जो दी है। और इकबाल के फ़न की खूबी यह भी कि उन्होंने मकालों यानी डायलाग पर बहुत ज़ोर दिया है। जी, यह मुकालमे तो आमतौर पर गुफ्तगु जो होती है इंसानों के दरमियान होती है, लेकिन शायरों के यहाँ आप देखिए बिलखसूस अल्लामा इकबाल के यहाँ तो इंसानों का मुकाबला उन्होंने हैवानों से कराया है, जानदारों से कराया है, इवन कि गैर जानदार जो उनसे भी कराया है। उनके यहाँ पहाड़ भी बात करते हैं, दरख्त भी बात करते हैं, गिलहरी भी बात करती है, मकड़ी भी बात करती है, मक्खी भी बात करती है, इस तरह से। तो इसे और हत्ता कि उन्होंने खुद से भी बात की है, जिसको कहते हैं खुद कलामी। अपने कभी कभी खामोशी में इंसान अपने आप से बात करता है, सवाल करता है, अपना खुद जवाब देता है, सोचता रहता है, तो इससे उसकी फिक्र जो है बढ़ती है, बात को एक सिलसिला भी मिलता है, उसमें एक सीक्वेंस भी पैदा होता है, और आप कोई ना कोई एक फिक्र को जो है आप पैदा करने में।
और एक चीज़ अहम जो है कि इकबाल के यहाँ जो है शायर की तीसरी आवाज़ पे उन्होंने बहुत जोर दिया है। तीसरी आवाज़ यह है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो बराह रास्त ना कह के, डायरेक्ट ना कहकर हम किसी और का सहारा लेते हैं। आपका सहारा ले लिया, किसी और का सहारा ले लिया, गाय का सहारा ले लिया, बकरे का सहारा ले लिया, पहाड़ का, नदी का, वगैरह वगैरह। तो आप जैसे लेनिन की नज़्म में, लेनिन खुदा के हुज़ूर में, तो अपनी बात जो नहीं कह पाते तो वो लेनिन के ज़रिए कहलाते हैं। तो शायर की जो तीसरी आवाज़ होती है वो दूसरे की आवाज़ से सहारा लेकर अपने पैगाम को, अपने ख्याल को, महसूस को पेश करता है। तो इस तरह से तो इकबाल के यहाँ ये बहुत अच्छी हैं। हमारे निसाब में तो बच्चों की बहुत सी नज़में इकबाल की शामिल है, जैसे बच्चे की दुआ है, हमदर्दी है, परिंदे की फरियाद है, तराना हिंदी है, एक पहाड़ और गिलहरी है, एक गाय और बकरी, शहद की मक्खी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, नया शिवाला वगैरह, ये सब जो हैं। अल्लामा इकबाल के चार उर्दू कुलियात मिलते हैं, कुलियात इकबाल के नहीं, कुलियात इकबाल तो है कि इसमें चार शहरी कलेक्शन, शहरी मजमूए हैं, बांग दरा, बाल जबरील, ज़रब कलीम, अरमगान एजाज। ये अरमगान एजाज उर्दू और फारसी दोनों में है। फारसी में भी उन्होंने शायरी की है, बल्कि अल्लामा इकबाल ने शुरू में फारसी में शायरी की, बाद में उर्दू की तरफ आए। तो फारसी में जो उनके शहरी कलेक्शन हैं, असरार खुदी, रमूज़ खुदी और पयाम मशरक़ी हैं। अब आइए इस नज़्म को पहले हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नज़्म का जो कंसेप्ट हमारा है कि हमने बता दिया कि एक पाबंद नज़्म है, और पाबंद नज़्म की जो खूबी होती है वो भी हम बता दें। तो सबसे पहले हम इसकी क़िरात कर दें, यानी पढ़ते हैं। जब तक हम किसी नज़्म को, मतन को सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, उसको हम सही तरीके से समझ नहीं सकते, चाहे वो प्रोज़ हो या पोएम हो, पोएट्री हो। तो हमें जो अखातुर से निसाब में जो हमारा सिलेक्टेड लेसन्स होते हैं, उनको जो है पढ़ने की मशक करनी चाहिए, ताकि हम आइंदा इनफरादी तौर पे ख़ुद उनको और पढ़ सकें। तो नज़्म का उनवान एक आरज़ू है। नज़्म इस तरह शुरू होती है, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढोंकता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में को हो के एक छोटा सा झोपड़ा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ, उजलत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का काटा दिल से निकल गया हो। लज्जत सरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरशों में बाजा सा बज रहा हो। गुल की कली चिटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सकोया मुझको जहाँ नुमा हो। हो हाथ का सिराना, सब्ज़ा का हो बिछोना, शर्माए जिस से जलवत खलवत में वो अदा हो। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो। सब बांधे दोनों जानी बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। आगोश में ज़मीं की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी की छू रही हो झुकझुक के गुल की टहनी, जैसे कोई हसीन आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। रातों को चलने वाले रह जाए थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखाते, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मौज़िन, मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो। कानों पे हो न मेरे दैरो हरम का ऐसा, रोज़न ही झोपड़ी का मुझको सहर नुमा हो। फूलों को आए जिद्दम शबनम वजू कराने, रोना मेरा वजू हो, नाला मेरी दुआ हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिलों को मेरी सदा दरा हो। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पढ़े शायद उन्हें जगा दे। इस तरह कितना अच्छा देखा ना आपने, क्या वो बात, उस एक शेर को कहने के लिए कितनी तवील जो उन्होंने कोशिश की है, और किन किन चीज़ों से कहा है। और एक आरज़ू सभी के दिलों में होती है, शायर की जो दुनिया जो है उसके जो दिल की दुनिया हो, दिल के बाहर की दुनिया जिसको हम खारजी कहते हैं, और एक दिल की दुनिया जिसको दाखिली कहते हैं, दोनों में जो है हम आंगी नहीं, कहीं ना कहीं एक बड़ा तबकाती कश्मकश उसमें नज़र आ रहा है। तो शायर ये आरज़ू करता है कि जो मेरे दिल की बात हो उससे लोगों किस तरह मैं वो बताऊँ, किस तरह जो है। तो उसने एक आरज़ू का उनवान देकर और किस तरह से एक खूबसूरत नज़्म लिखी है, और उस नज़्म के हवाले से उसने इमेजरी का सहारा लिया, पैकर तराशी की है। पैकर तराशी उससे कहते हैं कोई चीज़ ऐसी हो कि उसको चलती फिरती नज़र, उसका नक्शा सामने फिर जाए जो है। जी,
तो इसमें आप देखिए, अब इसके एक एक शेर और मिस्र को भी लेते हैं कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हूँ। तो शायर यह कहना चाहता है कि अब दुनिया की महफिलें मेरे लिए किसी काम की नहीं, मैं उससे जो आजिज़ आ चुका हूँ। आजिज़ किस लिए आ चुका है कि या तो एक उसमें यकसानियत पैदा हो गई है, एक ही चीज़ को देखते देखते तबीयत घबरा जाती है, या वो मेरे हिसाब से नहीं, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, जब आपका दिल मुर्दा हो जाए, बुझना मतलब देखिए यहाँ बहुत सारे मुहावरे भी इस्तेमाल किए हैं, दिल बुझना, दिल मुर्दा होना, यानी जब आपका दिल जो है कुछ और कहे और कुछ अच्छा न लगे, तो बाहर की दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी चीज़ें खाने पीने की लिबास की अच्छी, सब वो सब बेकार हो जाती है। इसलिए सारी चीज़ों का ताल्लुक वो दिल से होता है। तो दिल को दुनिया से लुत्फानंदोजी के लिए हमारे दिल को भी एक बेहतर होना चाहिए, उसमें किसी तरह का गम ना हो। शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, कहते हैं मैं शोरगुल से भागता हूँ, शोरिश कहते हैं हंगामे को, शोरगुल को कहते हैं, अब मैं उससे जो है दूर भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फैदा हो। सुकूत कहते हैं खामोशी को, अब मैं ऐसी खामोशी की तलाश कर रहा हूँ जिस पर तकरीर यानी गुफ्तगू भी, तकरीर भी फैदा हो, यानी उस पर कुर्बान हो जाए, यानी बिल्कुल जो है एक अच्छी से अच्छी में उस पर शांति चाहिए, बिल्कुल आराम, आराम से जो है वो खामोशी मुझे चाहिए। मरता हूँ खामोशी पर ये आरजू है मेरी, और मरता हूँ खामोशी, और देखिए फिर मुहावरा किसी पर जान देना, मैं खामोशी पर जान देता हूँ, मरता हूँ और मेरी ये आरजू है दामन में कहो के एक छोटा सा झोपड़ा हो। दामन कहते हैं लिबास का जो निचला हिस्सा होता है कुर्ते को, उसको दामन कहते हैं, और दामन में कहो कि यानी पहाड़ के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो तराई होती है, उसके नीचे बहुत सारे झोपड़ी आप लगे आबादी होती है। तो कहते हैं अब तो मुझे वही दुनिया की कोई चाहत नहीं है, बल्कि उसके कोह में, उसके दामन में एक छोटा सा मेरा भी झोपड़ा हो, वहाँ मैं चाहना चाहिए, बिल्कुल हाँ लग्जरी नहीं चाहिए। आज़ाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारो, कहता है मैं दुनिया के तमाम फिक्र से आज़ाद हो जाऊँ, उजलत कहते हैं तन्हाई को, और मैं अपनी तन्हाई में अपना दिन बाकी जो बचा है उसको गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। अब कांटा निकलना भी मुहावरा देखिए, यानी जो दुनिया के गम है, जो तरह तरह की परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उसका कांटा मेरे दिल से निकल जाए जो है, निकल गया। लज्जत स्रोत की हो चिड़ियों के चहचहो में, स्रोत कहते हैं नगमे को, गाने को, कहता है जो जो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं उनकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे और किसी स्रोत और नगमे और गाने की सुनने की जरूरत ही न पड़े। वैसे भी चिड़ियों के चहचहाट जो है वो भी प्रकृति से चाहिए, प्रकृति से चाहिए, वो भी जो है और दाहिर बात जितनी भी प्रकृति है, कई चीज़ें दी हैं, चरिंद परिंद उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है, ये और बात हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब कोयल बोलती है तो देखिए उसकी आवाज़, मैना बोलता है, तोता बोलता है, तो क्या उन सभी तो चरिंद परिंद में सबसे आप देखिए कि एक खूबसूरत होती है आवाज़ें। तो वही वो आरजू कर रहा है कि लज्जत स्रोत की हो चिड़ियों के चहचहों में, जो चिड़ियाँ मेरे आसपास हों उनमें मुझे नगमे और गाने सुनने की कैफियत महसूस हो, और चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। चश्मा कहते हैं झरना को, आबशार को, जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो उसमें भी एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ में भी एक फ्रिक्वेंसी के साथ पानी गिरता है, ऐसा नहीं कि गिरा और रुक गया फिर गिरा, बल्कि बराबर चलता रहता है। उस पानी के बराबर गिरने से अगर आप महसूस करें या कभी जाएं तो आप देखें कि उसमें भी एक मौसीकी होती है, म्यूजिक होती है, तो ऐसा लगता है कि वो मौसीकी मेरे लिए बाजा बज रहा है, उससे हल्की मौसीकी नहीं, बाजा बजने का है, यानी वो मेरे अंदर जो है एक कैफियत पैदा कर रही है वो मौसीकी। और गुल की कली छिटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोजा मुझको जहानमा, कहते हैं फूल की जो कली होती है वो तो जब छोटी होती है तो उसमें वो किसी न किसी पैगाम को उसके अंदर लिए हुई है, जब वो फूल बन जाती है तो उसमें इंतशार पैदा होता है, पंखड़ियाँ बिखर जाती हैं, तो उसको क्या कहा है सागर ने, शायर ने, उस कली को, उस कली की जो आप देखिए उसकी बनावट जो होती है इस तरह से ऐसे होती है, तो उसको एक सागर, यानी सागर कहते हैं उसको जिसमें शराब का पीने का प्याला वो आप देखते होंगे इस तरह से होता है, तो कली भी को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें तशबीह से काम लिया है उसमें शायर ने, कि उस तरह की जो है वो कली है, और सागर जरा सा गोया मुझको जहानमा, यानी वो कली ही मेरे लिए सागर हो, हाँ मैं वही कम उसे उसी से जो है, और जहानमा यानी जहानमा ईरान में एक शायर गुजरा है जमशेद नाम का, कहते हैं कि उसके आमतौर पर मशहूर है कि उसमें जिस प्याले में वो शराब पीता था तो उसमें दुनिया की सारी कैफियत सारी चीज़ों का मंजर देख लेता है जहानमा, तो उसको जहानमा जिसमें दुनिया की चीज़ें नज़र आने वाली हों। ठीक है, अच्छा अब देखिए शायर कहता है कि हो हाथ का सिराना सब्जा कहो बिछोना, सब्जा कहते हैं घास को जो बिछो होते खूबसूरत होते हैं, तो वहाँ मुझे किसी बिस्तर की बहुत आराम की ज़रूरत नहीं है,
मैं तो जहाँ चाहूँ वहाँ सो जाऊँ, मेरे लिए वो सब्जा वो घास ही मेरा बिछौना है और मेरा हाथी मेरा लिए सिराने का काम करेगा। शर्माए जिससे जलवत, खलवत में वो अदा हो, जलवत कहते हैं महफिल को और खलवत कहते हैं तन्हाई को, तो कहते हैं वो ऐसी जलवत खलवत चाहिए जिससे जलवत भी वहाँ शर्मिंदा हो जाए। मुझे जो है अपनी तन्हाई में ही मज़ा आएगा, और तन्हाई में जब आप होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे अंदर महसूसात होते हैं, ख्यालात होते हैं, आप सोचते हैं, तो आप अपनी एक दुनिया खुद आबाद कर लेते हैं अपने ख्यालों से। फिर अगर कोई ऐसे में आता है आपके पास तो बुरा लगता है कभी कभी कि ये कहाँ गए डिस्टर्ब करने हमें। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हूँ। कहते हैं कि मेरी सूरत से जो बुलबुल है वह इस कदर मानूस हो जाए, फेमिलियर हो जाए कि वो मेरे प्यार मेरे आसपास आज़ादी से जो वो चहचहाए जो है उसके दिल में मेरा कोई खटका ना हो, यानी हमारे उसके अंदर इतनी दोस्ती पैदा हो जाए कि मैं उससे मानूस हो जाऊँ, फेमिलियर हो जाऊँ, वो मुझसे फेमिलियर हो जाए। जो है सब बांधे दोनों जानी बूटे हरे हरों, जिसको जहाँ हमने इमेजरी कहा था यहाँ से देखिए कि सब बांधे दोनों जानी बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। यहाँ शायर ने जो है हुस्न तालील से काम लिया, यानी जो खूबसूरत वजह तो कुछ और है लेकिन एक खूबसूरत वजह वो दूसरी बयान कर रहा है। आमतौर पर नदी के किनारे तालाब किनारा अगर दरख्त लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनका अक्स पानी में नजर आता है वो, लेकिन वो ये कहता है कि सब बात दोनों जानी बूटे हरे हरे हों। बूटा कहते हैं छोटे दरख्त को, पौधे को। नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, तस्वीर लेने का मतलब फोटोग्राफी ऐसा लगता हो रही है, लेकिन जबकि वो खुद ब खुद उसका अक्स उसमें नजर आ रहा है। हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बन बन कर उठ के देखता हूँ। कैसे दिल को धोखा देने वाला यानी दिलचस्प अच्छा नज़ारा हो। कोहसार कहते हैं जहाँ पहाड़ी सिलसिला होता है एक बाद एक चला जाए, तो उसे कोहसार कहते हैं, कई एक पहाड़ एक साथ। तो हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बन कर उठ उठ के देखता हूँ। अब पानी को आपने मौज देखा होगा, दरिया किनारे जाइए तो मौज तो में तो खुद एक बनती है, वो उठती है, बनती है, उठती चलती रहती है। लेकिन शायर ने उसको हुस्न तालील का यानी किसी चीज़ की खूबसूरत वजह बयान करना कि गोया की वो मौज बन कर खुद जो है सर उठा उठा कर उसको देख रही है। जो है आगोश में जमीन की सोया हुआ और सब्जा, फिर की झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। अब यहाँ पर भी देखिए वही काम दिया है उसने कि आगोश कहते हैं गोद को, आगोश में जमीन की सोया हुआ और सब्जा यानी जमीन की गोद में सब्जा यानी वो घास फूस जो है उगे हुए हैं उसको सोने से ताबीर किया। यहाँ भी उसने तालीर से काम लिया है और ये सारी इमेजरी यानी पैकर तराशे चल रही है। इसको एक एक पढ़ते जाइए और लुत्फानंदोज होते जाइए किस तरह से शायर ने इसमें खूबसूरती पैदा की है। पानी को छू रही हो झुकझुक के गुल की टहनी, अब देखिए पानी को छू रही हो झुकझुक के गुल की टहनी, कोई गुल है टहनी नर्म होती है तो खुद बखुद झुक जाती है खुद बखुद पानी में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हसीन कोई आईना देखता हो, आईना जैसा लगता है कि हम अपने चेहरा देख, जबकि ये खुद बखुद अमल हो रहा है। लेकिन शायर ने उसको जो है एक खूबसूरत वजह बयान करके उसको एक कितना, और मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबाओ। जब सूरज गुरूब होने लगता है, डूबने लगता है, शहरों में तो मंजर नहीं आता लेकिन गांव में चले जाइए तो जहां सूरज डूबता है तो एक सुर्खी लाली छा जाती है, आप देखिए बहुत दूर तक लाली नजर आती है, वो उस लाली की वजह से जो सुरमा तो आस पास की चीज़ें जमीन की होती है वो भी लाल हो जाती हैं। तो और लाली किसकी और सिफत है, दुल्हन की, वो भी सुर्ख लिबास पहनती है। तो शायर ने देखी ये यहाँ क्या कहा, मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, अब शाम को दुल्हन से ताबीर किया है कि जब सूरज डूब रखता है तो ऐसा लगता है कि पूरी शाम दुल्हन की तरह सुर्ख हो गई, सुर्खे लिए सुनहरी हर फूल की कबाह, और हर फूल का जो लिबास है जो उसका बार हर फूल की कबाह जो है लाल लिबास उसका लाल हो गया, यानी हर फूल सुर्ख हो गया, यानी कितना खूबसूरत मंजर बयान किया। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखाते, जब आसमां पर हर सू बादल घिरा हुआ। अब इतना सब तेरा अशार में ये सब पूरा बयान करने के बाद जो है सात अशार में शायर ने अपने मतलब की बात की है बाद में कि बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखाते, जब आसमां पर हर सू बादल घिरा हुआ। अब यहाँ दो मकसद है कि एक तो बादल हर सू यानी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक अंधेरा तो आसमान पर जब बादल गिर जाता है उसकी वजह से, एक अंधेरा वो जो हमारी जिंदगी में होता है जो हम उसको जो है तो दोनों से वह मतलब दोनों बिजली चमक उनको कुटिया मेरी दिखा दें, यानी जहाँ मेरा झोपड़ा है जहाँ कुटिया मेरी है उसको जो है आप उसको ऐसी उत्तर रोशनी करते वो दूसरों को नजर आने लगे।
अब ये देखिए फिर जो है उसने तीन चार अशार में बात की है, आखिर में उसने कहा कि इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिलों को मेरी सदा दरा हूँ। कहते हैं तारों का काफिला जो है बहुत सारे काफिले होते हैं, और दरा कहते हैं उस आवाज़ को जो कोई काफिला जब रवान आगे बढ़ता है कूच करता है तो वहाँ एक घंटा बजता है कि ताकि लोग जो इधर उधर चले गए हैं वो आ जाओ काफिले में शामिल हो जाए कोई बाकी नहीं। तो उसी तरह कहते तारों के काफिलों को मेरी सदा दरा होते हैं, यानी तारों का काफिला मेरी ये सदा वहाँ तक पहुँच जाए। अब देखिए उसके पहले मिस्र में कहा है कि इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाली, यानी मैं इस खामोशी में मेरी आवाज़ इतनी बुलंदी तक पहुंच जाए कि तारों भी वहाँ के काफिले के लिए भी मेरी आवाज़ पहुंच जाए वहाँ तक। अच्छा, ताकि वहाँ पहुँचेगा तो फिर वहाँ तक पहुँचे जाएगी फिर। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दें। तो कहते हैं जो हर दर्दमंद दिल है, यानी जिसके दिल में कोई दर्दमंदी होती है, फर्ज कर लीजिए कि अगर कोई मैं किसी को बीमार देखूं मुसीबत में देखूं तो मेरा दिल कहता है कि उससे मैं हमदर्दी का इजहार करूं, तो वो दर्दमंदी होती है। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, मैं यानी मैं तो रो रहा हूँ लेकिन जो दर्दमंद दिल है उनके अंदर भी ये कैफियत पैदा हो जाए। जो शायर का यह कहना है बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे, जो लोग बेहोश पड़े हैं, यानी बेहोश का मतलब यहाँ नहीं है कि सिर्फ होश नहीं है बल्कि जो गफलत में पड़े हुए हैं, लापरवाह जो है जिंदगी से, उनको शायद उन्हें जगा दे। तो मेरा तो अभी इस पे बहुत से बातें करनी थी लेकिन शायद आप कुछ इशारा करना चाहते हैं कि वक्त नहीं है, जो हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इकबाल साहब ने तो शब्दों की जादूगरी इसमें की है। बहुत इतने अल्फाज हैं इसमें, इतने मुहावरे हैं पढ़ने के लिए, बच्चों का जो मुझे लगता है लफ्ज बढ़ेंगे वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनको भी अपनी बात कहने में बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। लफ्ज भी इसी जबान सीखें और जबान सीखने के जो बहुत सारे टूल्स इसमें खुद मौजूद हैं, और सबसे बड़ी चीज की इसमें दिलचस्पी है, दिलचस्पी के साथ साथ एक पैगाम जो दिया गया वो सारी चीजें जो है अंतिम पंक्ति है ही उसकी, ऐसी बहुत अच्छी है, शायद जो लेटे ही पढ़े हैं उनको जगा दे, इसके तमाम मायने हो सकते हैं। जब जैसा कि आपने कहा सर, मुझे लगता है हमें इसका एक पार्ट टू और करना चाहिए ताकि बच्चे क्लास 9 के जो है हमारे उनको ये मजा आए और इसका जो पूरा कंटेंट है उन तक पहुंचे। बहरहाल मैं आपका बहुत शुक्रिया कहूंगा कि आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी ये नज्म उनकी पढ़ी और हम सबको इसके बारे में समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। शुक्रिया आपका बच्चों, आपका भी शुक्रिया। हमारा ये उर्दू का सत्र हम यहीं समाप्त करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में हम लौटेंगे वेबिनार लेकर। देखते रहिए PME विद्या चैनल। नमस्कार।